नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह और हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड। अच्छा, ब्रह्मांड में आज हम क्या क्या लेंगे? आज हम इसमें देखेंगे ब्रह्मांड, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ठीक है, पहले हम इसको देखेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हम इसको देखेंगे। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई थ्योरी दी गई हैं, लेकिन किसी काम की नहीं है। आपको पढ़ना क्या है? बिग बैंग थ्योरी। तो हम आज देखेंगे बिग बैंग थ्योरी किसे कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि मैटर, टाइम और डिस्टेंस, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद देखेंगे निहारिका किसे कहते हैं, नेबुला, इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला और हिंदी में बोलते हैं निहारिका। अच्छा, निहारिका क्या है? ये जो है तारों को का बेस है, इसी से जो है तारों का निर्माण हुआ है। इसके बाद देखेंगे स्टार्स और गैलेक्सी, इनका निर्माण कैसे हुआ। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, ये जो लेक्चर है ना, इसको आप बहुत गौर से देखना। मैं देखता हूँ, अक्सर सुनता भी हूँ कि ब्रह्मांड को लेकर बहुत छात्रों में बहुत जो है कन्फ्यूजन रहता है। अगर आपने इस क्लास को ठीक से देख लिया तो यकीन मानिए आज के बाद जितने भी आपके पास कन्फ्यूजन होंगे सब के सब दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस पूरे क्लास को आप गौर से देखना। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड, ठीक है। देखिए, अगर हम देखें कि ब्रह्मांड जब हमारे शब्द में कानों में पड़ता है या हम इसको बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या एहसास होता है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, इसका जो डायमीटर है या जो इसका क्षेत्रफल है कितना बड़ा होगा, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि ये अनंत है, लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है। ब्रह्मांड अनंत नहीं है। तो आपको ये लगता हो कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है, ठीक है। कई बार सोचते हैं ना कि ब्रह्मांड के बाहर फिर क्या होगा, अगर ये अनंत नहीं है तो ब्रह्मांड के बाहर कैसे दुनिया होगी। तो आप ये मान लीजिए, अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम इस पूरे बोर्ड को क्या मान ले, एक शून्य मान ले कि इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे ब्रह्मांड से पहले जो पूरी दुनिया थी कैसी थी, एक शून्य थी, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर जब कुछ नहीं था तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अगला सवाल बनता है। तो देखिए, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई आप समझ लीजिए। उस पूरे शून्य में कहीं पे किसी कोने पे एक पॉइंट था, मान लीजिए आपका ये क्या है, एक पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट में क्या था, इस पॉइंट में कुछ नहीं था, ऐसे मान लीजिए कोई मैटर नहीं था या कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ बहुत कुछ था भी, क्योंकि इसी पॉइंट से आज जो कुछ हम देख रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो स्टार्स हों, गैलेक्सीज हों या जितने प्लैनेट हों, ठीक है, ये सब इसी से बने हैं। कैसे बने हैं उसको देखते हैं। देखिए, जब ये पॉइंट ये था, मान लीजिए ये पॉइंट था, तो इसको माना जाता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी अनंत थी। इस पॉइंट की क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी ये कितनी थी, अनंत थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसका मतलब आप समझते हैं, जब किसी पॉइंट की ग्रेविटी अनंत होगी तो उसके अंदर जो डेंसिटी होगी वो क्या कैसी होगी, वो भी अनंत ही होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। अगर किसी की ग्रेविटी अनंत होगी तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, अनंत होगी, क्योंकि सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा होगा। जब कोई भी चीज अपनी तरफ सब कुछ खींचे केंद्र की तरफ, तो क्या होगा, जो उसके अंदर मटेरियल होगा वो कहां, बिल्कुल एक के ऊपर एक चिपक जाएगा, यानी कि जो उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि घनत्व, ये क्या है, ये भी आपका अनंत है। अब सोचिए, जब दो पॉइंट अनंत हो जाएंगे, यानी कि उसकी ग्रेविटी और उसकी डेंसिटी ये अनंत हो जाएगा, तो एक फैक्टर इसमें और भी आएगा, और वो क्या है, एनर्जी। कभी कोई देखिए, कभी कोई क्या, एक मिट्टी लीजिए, मिट्टी को मुट्ठी में भरिए और उसको तेजस दबाइए, इतना दबाइए कि उसकी डेंसिटी अनंत हो जाए। आपको एहसास होगा कि वो मिट्टी एक एक गर्म पड़ गई, ठीक है। कुछ कंडीशन यहां पर भी ऐसे हुए, वो गर्म कैसे हुई, एनर्जी से, क्योंकि आप जो भी उसके कण है आप उनको एक के बाद एक पुश किए जा रहे हैं, इससे क्या होता है, उनकी एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है। तो यही कंडीशन हुआ इस पॉइंट के साथ। पहले क्या हुआ, ग्रेविटी अनंत थी, इससे क्या हुआ, घनत्व अनंत हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसकी एनर्जी अनंत हो गई। जैसे ही एनर्जी अनंत हुई तो क्या होगा, इसका विस्फोट। हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी चीज के अंदर एनर्जी अनंत भर दी जाए तो क्या उसको आप बांध कर रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनंत एनर्जी को अपने अंदर समा के रखे। वही चीज इसके साथ हुआ, जैसे ही इसकी एनर्जी अनंत हुई ये क्या हुआ, इसका फट गया। अच्छा, कब फटा, एक सवाल कई बार बनता है, इसको आप जो है नोट करना। ये जो घटना बता रहा हूं, ये बता रहा हूं 15 अरब वर्ष पहले की बात, वर्ष पहले। कई किताबों में इसका जिक्र आता है 13.7,
लेकिन आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास ऑप्शन 15 है तो आप 15 करेंगे, अगर 13.7 है अरब वर्ष तो आप इसको करेंगे, क्योंकि इस समय ना तो आप थे ना मैं था। जो हमारे भौगोलिक शास्त्री है ना, जो उन्होंने बताया हमने वही माना। और ये कैसे प्रूफ हुआ, इस थ्योरी को जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हम समझ जाएंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, जैसे ही जो ये एनर्जी है ये अनंत हुई, इसमें क्या होगा, विस्फोट हो गया। इसमें क्या होगा, विस्फोट हो गया। और ये विस्फोट इतना भारी था, इतना भयंकर था कि क्या हुआ कि जो भी इसके अंदर था डेंसिटी, ये पूरे उसमें क्या कहते, जो स्पेस था, जो शून्य था, उसमें फैल गया। जैसे इसका विस्फोट हुआ, आपको पता होना चाहिए कि इसमें से तीन चीजें पैदा हो गई। पहला पैदा हुआ मैटर, यानी कि हमने बताया कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति से पहले सब कुछ शून्य था, यहां पे कुछ भी नहीं था। तो क्या पैदा हुआ, मैटर। इसके बाद ये मैटर बिखरा, ठीक है। मान लीजिए अभी ये यहां था, इसके बाद यहां हुआ, फिर यहां हुआ, तो भाई यहां कुछ समय लगा होगा ना। जैसे ही मैटर का बिखरा हुआ तो एक चीज और पैदा हो गई, वो क्या थी, टाइम। और जैसे ही टाइम हुआ, देखो पहले यहां था, फिर यहां गया और फिर यहां आया, तो क्या हुआ, इसमें कुछ डिस्टेंस तो भी हो गई। पहले क्या था कि एक शून्य था, कोई डिस्टेंस नहीं थी। देखिए डिस्टेंस हम कब नापेंगे, मान लीजिए मेरा घर जो हमारा स्टूडियो है यहां से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो क्या है, मेरा घर और स्टूडियो के बीच की जो डिस्टेंस है, तो इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिएगा घर भी ना हो, स्टूडियो भी ना हो, तो क्या कैसे कहेंगे कि हमारी कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ही मैटर की उत्पत्ति हुई, ये अपनी जो मूल स्थान था उससे हटा, तो क्या हुआ, एक डिस्टेंस भी डेवलप हो गई। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस महाविस्फोट के बाद तीन चीजें पैदा हो गई, यानी कहें कि तीन चीजों का जन्म हो गया। पहला क्या था, मैटर, सेकंड क्या है, टाइम, थर्ड क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो अच्छा, अगर हमने देख ले कि चलो ठीक है ये भी पैदा हो गया, अब हम देखेंगे कि निहारिका का जन्म कैसे हुआ। मैटर हुआ तो मैटर में कौन सा मैटर पैदा हुआ, देखिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैटर में क्या पैदा होगा, पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट कण होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, ठीक है, ये सारी चीजों का जन्म हुआ, ठीक है। क्या जन्म हुआ, जो आपका स्मॉलेस्ट कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन आदि, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन्हीं के यौगिक बने, उनसे क्या बना, तत्व, ठीक है। अब हम देखें किसी भी जो खनिज होता है उसका जो बेस होता है क्या, वो क्या होता है, तत्व होता है। जैसे तत्व बना तो इसमें एक सवाल ये बनता है कि जब ये तत्व बना तो कौन सा तत्व सबसे ज्यादा बना। तो देखिए हमारा जो भी निहारिका बनती है या जो भी स्टार बनते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में होता है वो होता है हाइड्रोजन। हमें समझ में आ गया होगा कि जब भी तत्व बना होगा तो सबसे पहले क्या बना होगा, हाइड्रोजन। देखिए कई तत्व बने लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में बना है आपका हाइड्रोजन, और फिर इन्हीं हाइड्रोजन से क्या बना, नेबुला। वो कैसे बना, चलिए वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसके विस्फोट से क्या क्या बना, मैटर बना, टाइम बना और डिस्टेंस बनी। तो हम क्या पढ़ने वाले थे कि मैटर में क्या बना, हमने देखा मैटर में क्या बने, स्मॉलेस्ट कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन आदि, कई ऐसे कई कण बने, ठीक है। और इनके संलयन के बाद, मतलब इनके जो यौगिक बने उसमें से क्या बना, तत्व बना, ठीक है। और तत्व में सबसे ज्यादा क्या बना, हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, जब ये देखिए, जब विस्फोट हुआ था तो क्या हुआ, ये फैलने लगा ब्रह्मांड लगातार। अगर हम देखें तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड फैल ही रहा है, क्योंकि वो विस्फोट इतना भयंकर था कि उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि सोचो कि 15 अरब वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ब्रह्मांड का आज भी विस्तार कंटिन्यू है, ठीक है। तो जब ये आगे बढ़ रहा था पूरा मैटर, ठीक है, तो यहां पे हमने बताया सबसे ज्यादा क्या था, हाइड्रोजन। तो इससे क्या हुआ कि इस पॉइंट के चारों तरफ एक हाइड्रोजन का बादल बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन का बादल बन गया। और यही बादल बाद में क्या हुआ कि ये जो स्पीड थी, इसी स्पीड से जो है क्या करना, ये आपस, मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये बादल पूरा बन गया और स्पीड एक आपकी इधर थी, तो ये क्या हुआ, आपस में ऐसे घूमने लगा। घूमने के बाद क्या है, ये एक राउंड अपनी संरचना बना लिया, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं निहारिका। इसे क्या बोलते हैं, निहारिका। और बाद में जब यही राउंड मैच्योर्ड हो जाएगा तो यही क्या बन जाएगा, स्टार।
और फिर जो इन्हीं का ग्रुप होगा वो क्या बन जाएगा, गैलेक्सी। तो देखिए इस क्लास में हमें कहां तक पढ़ना था कि नेबुला कैसे बना और स्टार कैसे बना, गैलेक्सी कैसे बनी, ये बेसिक कारण था। जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें हम देखेंगे कि इसका जो निर्माण की प्रक्रिया पूरी है, यानी कि देखें कि स्टार और गैलेक्सी निहारिका के बाद स्टार और गैलेक्सी की जो बनने की प्रक्रिया है वो कैसी होगी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ। इससे पहले कि मैं इसको खत्म करूं, आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।